हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों से मिलके आज बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन हो गया था वीडियो शूट किए, मैं बहुत बिज़ी थी, लेकिन अब पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी वीडियोस को डेली अपलोड किया करूँ। तो चलिए, मैं इसमें ज़्यादा बक बक नहीं करूँगी और स्टार्ट करती हूँ अपना वीडियो अपने टिप्स के साथ। तो आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ लिप केयर के ऊपर। बहुत ही सिंपल टिप्स मैं बता रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही कारगर है। आपको यूज़ करना है, जो भी चीज़ मैं बताऊँगी आपके घर में ऑलरेडी मिल जाएंगे आपको, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं आपके लिप्स सॉफ्ट हो जाए, पिंक हो जाए और बहुत ही अच्छा ग्लो दे, तो मेरे सारे बताए हुए टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा रेगुलरली। प्लीज़ बिगनर्स, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, आप इसको रेगुलरली हर दिन फॉलो कीजिए, तभी जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको डॉक्टर कोई भी मेडिसिन देता है खाने के लिए ना, वो एक कोर्स देता है, आप जब तक उस कोर्स को कंप्लीट नहीं करोगे ना, आपकी बीमारी दूर नहीं होगी। तो चलिए, मैं आपको ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी, जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लें। और इस वीडियो से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, प्लीज़ जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो छोटा सा बेल होता है ना, उसे भी प्रेस करना मत भूलिए। इससे आपको मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएगी, आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होंगी। और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं चाहूँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट रखना, ताकि आप लोग बोर ना हो और जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ उसे टाइम देकर ख़त्म हो जाए, कुछ भी इधर उधर की बातें ना हो। क्योंकि मैं भी खुद भी अगर मैं YouTube देखती हूँ ना, कोई वीडियो बहुत लंबी होती है ना, या तो मैं उस वीडियो का टाइम देखकर ही उसे ओपन नहीं करती, या फिर उसको या स्किप करने लगती हूँ, या फिर वो बोरिंग हो जाती है, वो इंटरेस्टिंग नहीं होती। तो चलिए, मैं आप लोगों के लिए छोटी से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, जिससे आप बोर ना हो, इंटरटेन हो जाए आपका जो दो चार मिनट हो जो भी, और आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए, अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताने वाली हूँ 3 बेसिक स्टेप्स, जिससे आपके होठों को आप बिल्कुल लाइट और पिंक बना सकते हैं। पहला है एक्सफोलिएटिंग या स्क्रबिंग, दूसरा है मसाजिंग विथ ऑयल जो मॉइस्चराइजेशन का काम करेगा, और तीसरा है लिप पैक। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला है एक्सफोलिएटिंग पैक। तो एक्सफोलिएटिंग पैक के लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस, 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर, 1/2 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, 1 पिंच ऑफ टर्मरिक, और ऐड करना है इसमें 2 टेबल स्पून ऑफ रोज़ वाटर। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, आपको डेली बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं ये मिश्रण बताई हूँ ये आपका तीन से चार दिन आराम से जाएगा। इसको आप बॉटल में भर के रख दीजिए फ्रिज में। जब भी आपको फुर्सत है, दिन में 2 बार 3 बार, आप इसे स्क्रब कीजिए अपने होठों को एंटी क्लॉकवाइज मोशन में। आपको लेना है कॉटन बॉल, डिप करना है इस लोशन या जो पैक में बताई हूँ या जो मिक्सचर में बताई हूँ उसमें डिप कीजिए। आपको एंटी क्लॉकवाइज मोशन में अपने होठों पर रोटेट करना है 2 मिनट तक, और उसके बाद इसे छोड़ दीजिए। जब ये ड्राई हो जाए तो आपको अप्लाई करना है मॉइस्चराइजेशन के लिए ऑलिव ऑयल या फिर वर्जिन कोकोनट ऑयल, या फिर मैं बेस्ट एग्जांपल बेस्ट बता रही हूँ आपको आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल मैं आपको कहूँगी नंबर 1 पे रखिए। अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप लेकर आइए, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोकोनट ऑयल जो होता है वो भी अगेन एडेबल होना चाहिए, जो हम हेयर ऑयल यूज़ करते हैं वो नहीं। और ऑलिव ऑयल है वो भी नॉर्मल एडिबल जो ऑयल है वो यूज़ कीजिए, वो बेहतर होता है, वो प्योर होता है। तो ये मॉइस्चराइजेशन का काम करेगा, आपके लिप मॉइस्चर को लॉक करके रखेगा। जब भी आपको वो ड्राई फील हो, आप इसी तीनों तेल में से कोई एक तेल सेलेक्ट कीजिए और इस ऑयल को यूज़ कीजिए रेगुलरली, दिन भर में जितनी बार यूज़ कर सके। जब भी आप अपने होठों को ज़बान से अपनी टंग से गीला करने की हैबिट छोड़ दीजिए, प्लीज़, ये बहुत ही बुरा इफेक्ट देता है आपके लिप्स को डार्क करने के पीछे, ये भी एक बहुत ही मेजर कारण है। तीसरा जो है वो है पैक। पैक आपको बनाना है, इसके लिए आपको लेना है 1/2 बीटरूट का जूस। आप इसे अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए, निचोड़ के इसका रस निकाल लीजिए। जितना भी आपको जूस, आप 1 बीटरूट अगर कस रहे हैं तो, या फिर आप 1/2 बीटरूट, इसलिए बोली 1/2 बीटरूट क्योंकि अगर 1 बीटरूट कसेंगे ना आप, फिर वो जूस बाद में जाके वो वेस्ट हो जाएगा, तो वेस्ट क्यों करना, आप फिर से बना सकते हैं ख़त्म होने के बाद। 1/2 बीटरूट को आप कस लीजिए, उसका जूस अच्छे से निचोड़ के निकाल लीजिए। 2 to 3 टेबल स्पून या मे बी अगर अच्छा बीटरूट क्वालिटी है तो ज़्यादा रस मिल सकता है आपको। अगर मान लीजिए आपके पास 4 टेबल स्पून ऑफ बीटरूट आप निकाला है आपने जूस, आप इसे बॉयल कीजिए, आप इसे हाफ कर लीजिए। 4 टेबल स्पून है तो उसको 2 टेबल स्पून हो जाना चाहिए। इस बॉइलिंग प्रोसेस के दौरान आपको 1 to 2 पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर उसमें ऐड कर देना है, ताकि एंटीबैक्टीरियल है ये जल्दी ख़राब नहीं हो करेगा। तो इसको जब ये ये बंद करने के बाद गैस के, इसे ठंडा होने दीजिए और ये गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा चिपचिपा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। इसको आप किसी भी छोटे कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख दीजिए, ये आराम से 1 हफ्ता जाएगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं होगी। आप
इस पैक को रात में यूज़ कीजिए सोने के पहले। जी हाँ, सोने के पहले से एक थिक लेयर अच्छे से उसके उस पर अप्लाई कीजिए और सो जाइए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो इसे हल्के हाथों से ऑयल, अगर हल्का ऑयल लगा लीजिए अपने हाथों में, जो भी आप ऑयल अपने लिप पर यूज़ करें मॉइस्चराइजेशन के लिए, और उसी ऑयल से आप इसे एंटी क्लॉकवाइज मोशन में निकाल लीजिए। आपका लिप इतना पिंक हो जाएगा ना, आप मॉर्निंग उठ के देखेंगे। आप प्लीज़ मुझे फ़ोटो लेके आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और बताइएगा कि ये जो रेमेडीज़ मैं आपको बताई इसका इफ़ेक्ट कैसा लगा। एक हफ्ते के बाद आप देखेंगे आप में आपके लिप्स पे प्रॉपर चेंज। जैसे 10-15 दिन, 2 हफ्ता जब आप कंटिन्यूसली इन सारे रेमेडीज़ को फॉलो कर लेंगे तो आप इसको अल्टरनेट डेज कर सकते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वीकली 1 to 2 days आप इस रिजीम को फॉलो कीजिए। आपकी लिप्स कभी डार्क नहीं होगी, आप हमेशा एक पिंक ग्लोई लिप्स लेकर सबके सामने आओगे। लिपस्टिक की भी खर्च कम हो जाएगी और लिप बाम की भी। तो चलिए, कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो, लाइक कीजिएगा ज़रूर अगर पसंद आया होगा तो। और मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो को शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव बनाने की, तो अगर सच में आपको लगा कि ये शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और छोटे से बेल को दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलिए, टेक केयर, आप इस रेजिम को फॉलो कीजिए, अपने आप को और भी खूबसूरत बना लीजिए, और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।